लग रहा था कि हम लोग इसी के अंदर है. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिवर्सल, जिसमें हम लोगों ने दो राइड्स अब ले ली है. एक हम लोगों ने लिया था फास्ट एंड फ्यूरियस, वो भी अच्छा था वो. और हम लोग जस्ट अभी लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मर्स की राइड. ट्रांसफॉर्मर की राइड 3D थी और इतना अच्छा लगा. कैसा लगा आपको? ऑसम. जो कि इफेक्ट्स थे, इफेक्ट्स के लगा था कि हम लोग अंदर ही हैं, स्टोरी लाइन के पार्ट ही हैं. वो जो ट्रांसफॉर्मर था वो हम लोगों को सेव कर रहा था, बचा रहा था एनिमी से, और जो है बिल्डिंग से नीचे गिरा रहा था, ऊपर उठ रहे थे हम लोग, और इतना अमेजिंग था ना. सो गाइस हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते रात हो गई और टाइम हो गया है 7:38 हो गया है, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा ये वाला पार्क एक्सप्लोर कर लिया है. एंड जस्ट अभी हम लोग लेके आए हैं एस्केप फ्रॉम ग्रिंगॉट्स की राइड. वहाँ पे ये हैरी पॉटर राइड है और इतनी ऑसम राइड है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि वो कैसी थी. एकदम 3D इफेक्ट था, ऐसा लग रहा था कि पूरी रोलर कोस्टर राइड है. एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी राइड 3D में है. एंड हम लोगों ने एक राइड ली थी द रिवेंज ऑफ मम्मी, वो तो इतनी स्केरी थी, इतनी थ्रिल था उसमें, इतना थ्रिल था कि उसमें हम लोग रोलर कोस्टर था और उसमें हम लोग ने कई सारे टर्न्स लिए, ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उसमें. एंड वो तो बाप रे, उसमें जाना तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है. एंड अभी हम लोग इस टाइम ये ग्रिंगॉट्स में ही है, लाइक यहाँ पे एक पूरा कीव दे रखा है हैरी पॉटर वाला, तो आप देखिए. तो आपको ये कौन सी राइड आपको सबसे बेस्ट लगी? रिवेंज ऑफ द मम्मी, क्योंकि वो ऑसम थी एंड देयर वर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था. मतलब हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि वहाँ पे, क्योंकि ये सारी राइड्स ना डार्क राइड्स है, और जैसे जो रोलर कोस्टर होते हैं वो दिन मतलब दिखाई देते हैं, उसमें कितने टर्न्स हैं, कितने ट्विस्ट हैं, सब पता रहता है. लेकिन ये वाली जो राइड्स थी ये सब डार्क राइड्स थी, और उसमें हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या होने वाला है. यहाँ से निकल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और अभी भी हूँ. तो अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम लोग चलेंगे यूनिवर्सल स्टूडियो की. सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ली, आई थिंक बस एक चीज़ रह गई है ना, एक पार्ट रह गया है. द लॉस्ट कॉन्टिनेंट करके है, पोसाइडन्स थ्योरी है, मिस्टिक फाउंटेन शो तो यही चलते हैं ना. और तो फाउंटेन शो तो नॉर्मली हर आधे घंटे पे चलता है. स्विस लैंडिंग लाइक ट्रेन, ट्रॉली ट्रेन राइड है. और एक स्विस लैंडिंग रह गया है, उसमें एक ट्रेन राइड है, तो जो कि हम लोगों ने अभी नहीं किया है, टाइम भी हो गया है. सो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है. अभी जहां हम लोग जा रहे हैं वहां देखिए कितनी अमेजिंग लाइट्स हैं. अभी से यहां से मैं दिखाती हूँ. मैंने एलियन अटैक, अब हम लोग जा रहे हैं MIB में एलियन अटैक. यहाँ पे जो राइड्स हैं उनको लेने के लिए पहले हम लोगों को लॉकर में अपने स्टफ को लॉक करना पड़ता है. मैन इन ब्लैक एलियन अटैक राइड है ये, और
देखते हैं इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी राइड्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। एंड अभी हम लोगों के 2 दिन और हैं यहाँ पे, कल का एंड परसों का, यानी कि ट्यूसडे एंड वेंसडे भी हम लोग और रहने वाले हैं। राइड कर लिए, राइड भी ठीक तरीके से, गेम भी था, एलियंस पे अटैक करना था, हम लोगों की सीट पे एक गन थे और वही लेज़र लाइट एलियंस पे अटैक करना था। सो इट वाज ओके, नॉट सो मच एक्साइटिंग बट इट वाज ओके ओके। सो मेरे स्कोर थे 28,000 समथिंग एंड इनके थे 27,700. सो आई एम द विनर। अब हम लोग सिर्फ लैंडिंग की साइड जाएंगे और 5 मिनट में ये कंप्लीट हो गई राइड, 5 मिनट से भी कम, मतलब पूरा प्रोसेस हम लोगों का 7-8 मिनट में कंप्लीट हो गया। आठ बजे पूरा पार्क बंद हो जाता है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। चलो एक फूटा। हाँ चलो 3 हो गया। थैंक यू, गुड नाइट। ये सही तो फाइनली कुछ तो मिला। तो मैंने ये अभी जीता है, $6 की पड़ी है ये, मैंने $6 हम लोगों ने दिए और एंट्री प्राइस में हम लोगों ने तीनों टाइम मैंने तीनों बलून फोड़ दिए हैं, तो ये तीनों मिली है। एक्साइटिंग नहीं पर तीनों बार फोड़ दिया क्या देखा। ये है गिफ्ट इनके लिए, एनिवर्सरी गिफ्ट। यूनिवर्सल स्टूडियो भी लिखा हुआ है, चलो हमारे पास एक मेमोरी रहेगी हमेशा के लिए। ओके, सो गाइस 8 बजने वाला है, ये बंद होने वाला है, सो लास्ट फायर वर्क स्टार्ट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सिनेमैटिक सेलिब्रेशन, इतना मतलब फायरवर्क्स एंड फाउंटेन शो था, पूरा सिनेमैटिक थीम थी, मज़ा आया देख के, इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कुछ कहने को नहीं।